सत श्री अकाल जी, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह टवाणा। इस वेले की बड़ी खबर सिक्किम तो सामने आ रही है, जिथे पूर्वी सिक्किम के नथुला च समोगो झील नेड़े बड़ा बर्फीला तूफान आया, जिस विच 150 लोगों के फसे होने की खबर सामने आ रही है। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि इस तूफान में 6 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। इस तूफान के आने तो बाद बचाव कार्य जारी है। तुहानू दस दईए कि यह झील मशहूर सैर सपाटा स्थान है, जिथे बड़ी गिणती में लोग इसका आनंद माण पहुँचते रहते हैं। स्थानक लोगों मुताबक इतने अचानक एवलांच आ गया, इस तो बाद 150 तो वध लोग बर्फ में फस गए। बर्फ च फसे लोगों को कढ़ने का काम जारी है। बर्फबारी कारण 20 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। दसाया जा रहा है कि मंगलवार को तूफान करके टूरिस्ट बस बेकाबू हो गई ते सीधी खाई में जा डिगी। मरने वाले में 4 पुरुष, 1 औरत ते 1 बच्चा शामिल है। बर्फ खिसकन तो बाद जख्मियों को नेड़े के आर्मी अस्पताल में लिया गया है, जिथे 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मुताबिक यह हादसा दोपहर 12:30 बजे वापरिया। सिक्किम पुलिस, सिक्किम की ट्रैवल एजेंट एसोसीएशन, सैर सपाटा विभाग के अधिकारी और वाहन ड्राइवर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। चेक पोस्ट के इंस्पैक्टर ने दसिया कि पास सिर्फ 13वें मील लिए जारी किए गए सन, पर सैलानी जबरदस्ती 15वें मील वाल चले गए। यह हादसा 15वें मील से वापरिया है। इस तो पहले जनवरी में भी लद्दाख इलाके के तंगोल पिंड बर्फीले तूफान ने 2 कुड़ियों की जान ले ली सी। इसे तरह पिछले साल उत्तरकाशी में एवलांच ने भारी तबाही मचाई सी ते 16 लोगों की मौत हो गई सी। एक कोई पहली बार नहीं जदों बर्फीले तूफान में बड़ी गिणती लोग फंस गए हों। इस तूफान तो बाद बचाव कार्य जारी है। हुण देखना होगा कि बचाव कार्य कदों तक पूरा होंदा है ते सारे लोगों नूं बाहर कढ़िया जांदा है। कैमरामैन रघुवीर सोहता नाल मैं इंद्रजीत सिंह टवाणा, D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।